चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ की है। ताजा मामला उत्तराखंड के चमोली जिले का है, जहां पर भारत चीन सीमा के बाराहोती क्षेत्र में चीनी हेलीकॉप्टर की घुसपैठ का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक चीनी हेलीकॉप्टर सोमवार सुबह भारतीय सीमा में घुसा और 5 मिनट तक मंडराता रहा। इस बात की पुष्टि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए रावत ने इस बात की पुष्टि की। रावत का कहना है कि उत्तराखंड की सीमा पर चीन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जानकारी दे दी। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 20 लोग देख रहे हैं पूरा बॉर्डर एरिया को, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंट्रूजन किसको कहते हैं, कितना अंदर आया, ये पूरा रिपोर्ट मंगवा के हम देखेंगे। ये देखना होगा कि ये घुसपैठ है या नहीं। उन्होंने इस बारे में ITBP से रिपोर्ट मांगी है।